कौन है बरबरीक और कैसे बने ये खाटू के बाबा श्याम? क्यों दिया था शीश दान में, कैसे मिले वरदान? कलयुग के ये है अवतारी, कहाँ है खाटू धाम? पांडव कुल में जन्म लियो है, बरबरीक पड़ोगे ना। शीश दान दे श्री कृष्ण को, कहलाए बाबा श्याम। आइए सुनते हैं कथा शीश के दानी की। भीमसेन के पौत्र लाडले मौर्य बीमा के लाल, कलयुग में हारे के सहारे कहलाए बाबा श्याम। ओ खाटू के बाबा श्याम, 14 बरस की उम्र में जिसने जग में किया बड़ा नाम, ओ कहलाए बाबा श्याम। ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। पांडवों में भीम, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र महाबली वीर बरबरीक। आइए विस्तार से जानते हैं कौन है वीर बरबरीक। लीले घोड़े रोसवा तेरी महिमा पार, महिमा पार शिव दुर्गा भक्ति से मिली शक्तियाँ पार, शक्तियाँ पार तीन बाणों का धारी। लील की तेरी सवारी, बलियों में तुम बलकारी, लाखों पे हो तुम भारी। ओ इच्छा प्रकट कर युद्ध की माँ से, चले वीर बलवान कलयुग में हारे के सहारे कहलाए बाबा श्याम। ओ खाटू के बाबा श्याम। जैसे ही बरबरीक युद्ध की ओर चले, माँ मौर्वी बोली, जाओ पुत्र बरबरीक, पर जाने से पहले 2 वचन देने होंगे। बरबरीक से माता ने मांगे 2 वचन, मांगे 2 वचन, पूरा करना वचनों को, है तुम्हें सौगंध, तुम्हें सौगंध, हर का साथी बन, निर्बल को देना बल, दान कोई मांगे तो इनकार न करना तुम। ओ देके वचन माँ को वीर करे हैं युद्ध को प्रस्थान,
कलयुग में हारे के सहारे कहलाए बाबा श्याम, ओ खाटू के बाबा श्याम। निकल पड़े बरबरी, तीनों लोक हिल उठे, चारों दिशाएं हिल गई, दुर्योधन हिल गया, भीम हिल गए। जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन बोले, हे माधव, पता तो करो ये कौन आया। इसके तो आने मात्र से मुझे ऐसा लगता है कि हम ये युद्ध हार जाएंगे। और तभी ब्राह्मण बन कृष्ण ने रोका बलवान, रोका बलवान, जाते हो तुम बालक नादान, बालक नादान। बोला बालक वो महान, रण को जाता श्रीमान, क्षत्रिय योद्धा हूँ, ये ही मेरी पहचान। परिचय देकर श्री कृष्ण को किया पुनः प्रस्थान। कलयुग में हारे के सहारे कहलाए बाबा श्याम, ओ खाटू के बाबा श्याम। तभी श्री कृष्ण बोले, अरे बालक सुनो तो, योद्धा है बड़े महान, बालक नादान, बालक नादान, किस बात पे करते हो इतना अभिमान, इतना अभिमान। बड़ी काला तीर कमान चढ़ाया उस पर बाण, लाखों पत्तों को भेद कर दिया शक्ति प्रमाण। दंग रह गए श्री कृष्ण भी देख के शक्ति अपार। कलयुग में हारे के सहारे कहलाए बाबा श्याम, ओ खाटू के बाबा श्याम। बालक का पराक्रम देखकर श्री कृष्ण बोले, बालक हो तुम महान, बोले भगवान, बोले भगवान, साथ किसका युद्ध में दोगे बलवान, दोगे बलवान। वीर बोला निस्वार, दूंगा हरे का साथ, निर्णय फिर कुछ भी निकले झुके ना मेरा मान। आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण बोले, तुम जो बनोगे हारे का साथी, तो कैसे मिलेगा परिणाम। कलयुग में हारे के सहारे कहलाए बाबा श्याम, ओ खाटू के बाबा श्याम।
तभी श्री कृष्ण बोले, हारे का सहारा, ये कैसा वचन दे डाला। श्री कृष्ण समझ गए अगर ये युद्ध में गया तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, इसे रोकना बहुत जरूरी है। और इधर दुविधा में पड़ गया बालक नादान, बालक नादान, दुविधा को हल करो ब्राह्मण भगवान, ब्राह्मण भगवान। याचक बनकर भगवान बोले, सुनो वीर महान, धरती कल्याण हेतु दो अपने शीश का दान। तभी बरबरीक बोले, वचन है दूंगा शीश दान में तो दर्शन भगवान, कलयुग में गारे के सहारे कहलाए बाबा श्याम, ओ खाटू के बाबा श्याम। देखना क्या था, फिर महाभारत में पहली बार मोर मुकुट वंशी वाले ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और झोली पसार कर खड़े हो गए। और तभी दे डाला वीर ने फिर शीश का दान, शीश का दान, छोटी सी आयु में किया काम महान, काम महान, दिया जह शीश का दान, वो है चुलकाना धाम, फाग शुक्ल द्वादशी को दिया ये महाबलिदान। बालक का महाबलिदान देखकर श्री कृष्ण दंग रह गए और अंतिम इच्छा मांगने को कहा, इच्छा जो मन में बोलो तो मुझसे दूंगा मैं वरदान, कलयुग में गारे के सहारे कहलाए बाबा श्याम, ओ खाटू के बाबा श्याम। बरबरीक बोले, प्रभु योद्धा हूँ, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, इन महाबलियों को आपस में लड़ते देखना चाहता हूँ। फिर क्या था, श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान कराया और ले जाकर एक ऊंची शिला पर विराजित किया। शीश के माध्यम से बरबरीक ने समस्त युद्ध देखा और अंत में युद्ध का परिणाम आया। महाभारत युद्ध में जीते भगवान, जीते भगवान, पांडवों में जीत से आया अभिमान, आया अभिमान, सत्य की जीत हुई अहम का नाश हुआ, जीत होते ही सबके मन में अभिमान जगा। पांडवों में आपस में बहस छिड़ गई कि इस युद्ध पर विजय का श्रेय किसको जाता है। निर्णय हो इस बात का कैसे, मिली ये जीत महान, माधव बोले निर्णय करेगा जिसने दिया है शीश दान, ओ जो है प्रत्यक्ष परमान। सभी मिलकर फिर उस शीश के समक्ष गए, फिर बोले भगवान, सुनो वीर महान, वीर महान, युद्ध में क्या
देखा था। तुम करो बखान, करो बखान, बोला वो मौर्य बिलाल। रण में था एक महान, सुदर्शन चक्र लिए करता सबका संघार। बात को सुनकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वरदान दे दिए। खुश होकर के श्री कृष्ण ने दिए उन्हें वरदान। कलयुग में मेरे नाम से तुमको पूजेगा ये जहां, ओ कहलाए बाबा श्याम। यह थी कथा संक्षेप में शीश के दानी की। आइए अब जानते हैं कहाँ है वो पावन धरा जिसे कहते हैं खाटू धाम। भारत में है स्थान जो है राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान में सीकर जिला, जहाँ खाटू धाम पावन धाम। भक्त जो हार के आते इस दर से जीत के जाते, सच्चे मन से जो ध्याते मन चाहा वर वो पाते। ओ, 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 श्री कृष्ण के है अवतारी प्रकटे खाटू धाम। खाटू नाम का गांव भी जिससे बन गया पावन धाम, ओ कहलाए बाबा श्याम। अरिनव माधव कथा सुनाए कैसे बने बाबा श्याम, ओ खाटू के बाबा श्याम।